हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी नए लोग आए हुए हैं चैनल पे, उनको पहले तो वेलकम है उनका, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, हर एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो ये चैनल जो है पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और बेसिक्स नॉलेज जो हमारे पास होनी चाहिए उनसे रिलेटेड है। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, फिर आगे चलते बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली आपको मॉर्निंग इवनिंग में मिलता रहता है वीडियो, जिसको जो भी डेली लोग सुनते हैं। दोस्तों ये जो आज का वीडियो है ये है अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेविट आर्किटेक्चर। कई लोग जाते रहते हैं BIM की जॉब के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें उनके प्रोफाइल में लिखा रहता है रेविट आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो टॉप क्वेश्चंस कौन कौन से रेविट आर्किटेक्चर में पूछे जाते हैं, ये वीडियो उनसे रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ कॉल आउट कमांड, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कॉल आउट कमांड। ओके, तो कॉल आउट कमांड क्या करता है, जैसे आपके पास कोई प्लानिंग है, अगर आपने सीखा है रेविट को, नहीं सीखा है तो उसके लिए मेरा पूरा वीडियो का सीरीज ही है, 10-15 वीडियोज़ आई थिंक। तो उन वीडियोज़ को देख के आप कंप्लीट सुन सकते हो कि लाइक रेविट आर्किटेक्चर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अब रही बात कि हम उसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, तो इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉल आउट। जैसे मैंने बोला, कॉल आउट में क्या करते हैं, किसी प्लान को सेपरेट, एक पूरा प्लान है आपके पास बना, उस प्लान को एक सेपरेट उसका एक रूम पे काम करना है, रूम में कोई प्लम्बिंग करनी है, रूम में कोई डक्टिंग दिखानी है, उसके लिए कॉल आउट कमांड को यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेविट जो है वो रेविट सेव करते हैं, उसके लिए फाइल फॉर्मेट क्या होता है। जैसे पावर पॉइंट को सेव किया तो .PPT, इस तरीके से अगर रेविट को सेव किया तो क्या होगा, तो रेविट को सेव करोगे दोस्तों तो रेविट की फाइल फॉर्मेट होती है .RBT, और रेविट की फैमिली होती है, फैमिली बोले तो जो सीखे उनको पता है कि कुछ बॉक्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो रेविट फैमिली के लिए .RFT होता है, क्या होता है .RFT, तो फैमिली भी हम लोग इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कई लोग पूछते हैं कैसे करते हैं। इसके अलावा क्या इसके अंदर वॉक थ्रू कर सकते हैं क्या, हाँ वॉक थ्रू कर सकते हैं, मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है वॉक थ्रू किस तरीके से करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वॉक थ्रू के बारे में पूछ लेते हैं लोग कि वॉक थ्रू करते हैं, तो वॉक थ्रू में एक होता है एक टर्म जिसका नाम है FPS, बोलते हैं FPS क्या होता है, FPS बोले तो फ्रेम पर सेकेंड, क्या होता है फ्रेम पर सेकेंड, उसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है, आप पूछते हैं जैसे फैमिली में, रेविट फैमिली से बहुत कंपोनेंट पूछे जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें पूछा था उन्होंने कि अलग पाइल फाउंडेशन कर रहे हो तो उसके ब्लॉक कैसे बनाओगे, तो ब्लॉक बनाओगे तो उसमें पैरामेट्रिक होता है कि नॉन पैरामेट्रिक ब्लॉक होता है, तो पैरामेट्रिक फैमिली क्या है, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें हम लोग पैरामीटर दे के बनाते हैं अपने लाइक किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फैमिली। और अगर उसमें हमने कोई लाइक प्रॉपर डायमेंशंस नहीं दिए हैं उसके लिए, तो वो हम लोग बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। तो फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेविट के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर सेक्शन कैसे कट करते हैं लोग पूछते हैं, तो सेक्शन कट करने के लिए व्यू ऑप्शन होता है, उसमें व्यू ऑप्शन पर जाके सेक्शन क्लिक करके गो टू व्यू करेंगे राइट क्लिक करके, तो वहाँ से आपको सेक्शन ऑप्शंस मिल सकता है कि सेक्शन किस तरीके से बनाते हैं। पूछते हैं डुप्लीकेट क्यों बनाते हैं, रेविट के अंदर हर एक चीज़ का डुप्लीकेट बनता है, तो डुप्लीकेट इसलिए बनता है दोस्तों जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लीजिए मेरा वॉल है, एक पहले से वॉल है जिस वॉल में हमने कुछ चेंजिंग कर दिया, तो सारे वॉल पर चेंजिंग ना हो जाए वो, क्योंकि एक ही फैमिली है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें डुप्लीकेट बना लेते हैं जिससे कि उस वॉल में प्रॉब्लम ना जाए और हम अच्छे तरीके से वॉल को एडिट कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सो सेफ हैंडल करके कमांड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कमांड है सो सेफ हैंडल, ये कमांड यूज़ में आता है अगर हमने कोई वॉल है हमारे पास, मान लीजिए 10 फीट की वॉल है आपके पास, उस वॉल में आप 8 फीट तक टाइल को लगाना चाहते हो, 2 फीट उसको छोड़ना चाहते हो, तो वॉल के अंदर से टाइलिंग को कट कैसे करोगे, उसके लिए क्या करते हैं सो सेफ हैंडल कमांड को यूज़ करते हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकती है सो सेफ हैंडल के बारे में। तो ये फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए अबाउट सो सेफ हैंडल। इसके अलावा एक्सट्रूजन कमांड कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, एक्सट्रूजन कमांड से हम लोग कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे कॉलम वगैरह तैयार कर सकते हैं। स्वीप कमांड क्यों यूज़ करते हैं, स्वीप कमांड से हम कोई पाथ फॉलो करवा सकते हैं। स्वीप ब्लेंड क्यों सकते हैं, मान लीजिए एक तरफ हमें रेक्टेंगल रखना है, एक तरफ हमको स्क्वायर रखना है, तो उसको उससे बनी हुई पाइपिंग वगैरह बनाना है, तो उसके लिए आप स्वीप ब्लेंड कमांड को यूज़ कर सकते हो। लॉफ्ट कमांड, कोई भी आपको गुम्बद जैसा से बनाना है, मंदिर जैसा से बनाना है, तो आप लॉफ्ट कमांड को भी यूज़ करके उसको हम लोग बना सकते हैं। और इसके अलावा पूछते हैं कि शॉर्टकट कीज़ कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन मेनू बार पर जाना है, आप देख लेना यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है उसके बारे में, तो अभी प्रोसेस बताने में पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आप जा सकते हो एप्लीकेशन मेनू बार पे जाके, वहाँ पे ऑप्शंस पे जाके वहाँ पे आपको सेट कर सकते हो कि आपको क्या किस चीज़ किस कमांड के लिए क्या आपको शॉर्टकट कीज़ रखना है, वो कमांड को वो शॉर्टकट कीज़ आप अच्छे से दे सकते हो। तो शॉर्टकट कीज़ भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ तो प्रॉपर्टी बॉक्स आपने देखा हो तो उसके शॉर्टकट की क्या है आपको नहीं पता होगा, पीपी उसकी शॉर्टकट की है। आप अपने लैपटॉप पे पीपी क्लिक करके देखिए, आपको प्रॉपर्टीज़ की ऐप मिल जाएगी, फिर से पीपी क्लिक कर दीजिएगा तो वो फिर से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको लगाना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको जैसे कभी कभी जाते हो किसी इंटरव्यू में, टेम्पलेट नहीं लगा हुआ है तो टेम्पलेट किस तरीके से लगाओगे? अगर टेम्पलेट नहीं लगाया और आप इंटरव्यू में बैठे हो तो उसके लिए आपको टेम्पलेट लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन मेनू बार में। एप्लीकेशन मेनू बार में जाके वहाँ पे जैसे कि आपको अदरवाइज आप सीधे रेविट को जैसे ओपन करते हैं तो आप ऑप्शन पूछता है ब्राउजर का, ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको सी में जाना है, सी सबके पास होता है लोकल डिस्क। सी में जाने के बाद वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम डाटा होता है, प्रोग्राम डाटा को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आरबीटी करके होगा, आरबीटी आपका 2017 का सॉफ्टवेयर है तो आरबीटी 2017 होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे होगा रेविट फैमिली, ठीक है, सॉरी वहाँ पे टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स पे जाइएगा और वहाँ से आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे क्लिक करके आप आर्किटेक्चर टेम्पलेट को लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं इसमें क्या शेड्यूलिंग हो सकती है, क्या क्वांटिटी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो शेड्यूलिंग हो सकती है। उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आई सेशन में आपको वीडियो आ रहा होगा शेड्यूलिंग का, तो वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा का पूरा 3 पार्ट दिया है शेड्यूलिंग, उससे आप कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं इस पर रिवार दिखा सकते हैं क्या? हाँ, रिवार भी इसमें दिखा सकते हैं, अपने बीम कॉलम में रिवार दिखा सकते हैं इसके अंदर। तो पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि हाँ रिवार दिखा सकते हैं। रिवार का साइज़ क्या रखना है, 8mm रखना है कि 10mm रखना है, वो भी हम बता सकते हैं। प्रीकास्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बता सकते हो हाँ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर भी इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग फैमिलीज बना के उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना आना चाहिए कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट करके आप कंप्लीट उसको बना सकते हैं। लेवलिंग किस तरीके से बनाते हैं? लेवलिंग बनाने के लिए कोई नहीं, किसी भी एलिवेशन में जाइए, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी एलिवेशन पर जाके वहाँ पर लेवलिंग की लाइक ऊपर आप रिवन पैलेट में देखेंगे तो लेवल नाम की कमांड, जिससे आप लेवल क्लिक कर सकते हो और लेवल को अच्छे तरीके से व्यवस्थित बना सकते हो। उसके साथ पूछते हैं ग्रिड का क्या यूज़ है, तो ग्रिड का क्या यूज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिड, क्योंकि ग्रिड के थ्रू जैसे कि मान लीजिए हमने ए बी सी डी इस तरीके ग्रिड बनाया, 1 2 3 4 इस तरीके की ग्रिड बनाया, तो ग्रिड बनाने के बाद वहाँ पे जैसे हमको 5A पे प्लेस करना है ग्रिड को, तो 5A पे आप आराम से प्लेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें और ज़्यादा डीप में इसके बारे में स्टडी करेंगे। रेविट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कमांड्स आपके लिए काफ़ी है, और अगर पूरा आपको पढ़ना तो पूरा रेविट मेरे 10-15 वीडियोस हैं जिनको आप देख लोगे तो आपका रेविट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक डाउट को डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। आगे आने वाले वीडियोस मेरे जो हैं उसमें मैं स्टैट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईटैब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टेक्ला में कौन कौन से हैं, ऑटोकैड में कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे मज़ा आता है कि चलो यार अब कुछ नया बनाना है, ये बताना है लोगों को, ये बताना है, जो भी मुझे नॉलेज में 100% आप तक शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, बाय बाय।